हाय एवरीवन, मैं हूँ सपना और मेरे चैनल फ्रेंड्स एंड फैमिली किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन टोस्ट, तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और ये मात्र 8 से 10 मिनट में इजीली बन जाता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या स्नैक्स के रूप में कभी भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक बोल बेसन लिया है और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, अदरक और लहसुन का पेस्ट, गार्निशिंग के लिए हमने लिया है हरा धनिया, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, 5 से 6 ब्रेड के स्लाइसेस, और हम इसे बटर से बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिया है बटर, और साथ ही हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक हम स्वाद अनुसार ले लेंगे और साथ ही हमने लिया है आधे छोटे चम्मच चाट मसाला, आधे छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। तो चलिए सबसे पहले हम घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोल में बेसन ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इससे हमारे ब्रेड टोस्ट में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, और साथ ही हम इसमें हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और सभी सूखे मसाले ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों यकीन मानिए बेसन टोस्ट बनाना बहुत ही सिंपल है। जब भी आपका स्नैक्स खाने का है, जब भी चटपटा सा नाश्ता खाने का मन हो तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बना लेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें घोल ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बिल्कुल हमें मीडियम साइज का घोल बनाना है। तो देखिए बिल्कुल घोल इसी तरीके से हमें तैयार करना है। तो देखिए हमारा घोल बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम पैन पर बटर को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए हमने बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और अब हम एक ब्रेड के स्लाइस को बेसन के घोल में बहुत ही अच्छे से डिप करेंगे और इस तरीके से आप इसे पलट पलट के करें ताकि हमारे ब्रेड में बेसन बहुत ही अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम इसे पैन पर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हल्के हाथ से और इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे और इसके साइडों में थोड़ा सा हम बटर और ऐड कर देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमें लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए वाओ, हमारे बेसन टोस्ट में कितना बढ़िया सा कलर आया और आप देख सकते हैं देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। तो अब हम इसे दोनों तरफ से इसी तरीके से हमने सेक लिया है और अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से बाकी सभी बेसन टोस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से बन जाता है। तो ये देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे से बेसन में कोट कर लिया है और अब हम इसे पैन पे ऐड कर देंगे और इसे भी लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा बेसन टोस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब बारी है इन्हें सर्व करने की। आप चाहे तो इन्हें इस तरीके से सर्व कर सकते हैं या आप इन्हें किस तरीके से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी आपका चटपटा खाने का मन हो आप इजीली बेसन टोस्ट घर पर ही बना के खा सकते हैं और ये बनने में बहुत ही इजी और बहुत ही झटपट से बन जाता है। सुबह की भागदौड़ हो या बच्चों का टिफिन का टेंशन, तो आप झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही इजीली 8 से 10 मिनट में बन जाते हैं। तो चलिए अब हम प्लेटिंग करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।